आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सौरमंडल की सीमाओं के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सौरमंडल कितना विशाल या कितनी दूर में फैला हुआ है? अगर सौरमंडल की सीमाओं के बारे में बात की जाए तो ये वो सीमा है जहाँ तक हमारे सूर्य का प्रभाव है। अंतरिक्ष में जहाँ तक हमारे सूर्य का प्रभाव है वो सौरमंडल की सीमा है। आज की इस वीडियो में हम सौरमंडल की सीमा को विस्तार से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सौरमंडल की सीमा जहाँ खत्म होती है वह सूर्य का प्रकाश हेलिस्फीयर कहलाता है। सौरमंडल की इस सीमा को क्या कोई यान पार कर सकता है? हमारा सौरमंडल 4.6 अरब साल पुराना है। इसमें हमारे सूर्य, पृथ्वी और 7 और ग्रह के साथ साथ ना जाने कितने एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स आते हैं, और ये सभी चीजें कॉमन चीज का चक्कर लगाती रही हैं, और वो है हमारा सूर्य। जो सूर्य हमारे सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान अपने अंदर समेटे हुए है। पर इस सौरमंडल की भी अंतिम सीमा यानी हेलोस्फीयर है, जहां सूर्य का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ये सीमा पार कर हमारा यान इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाता है, जो कि 2 तारों के बीच का स्पेस होता है। सौरमंडल का निर्माण आज से 4.6 अरब साल पहले एक बहुत बड़े धूल और गैस की बादल की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारी वेव ट्रेवल कर आई थी, और शॉक वेव की वजह से इनके केंद्र में गुरुत्वाकर्षण की वजह से फ्यूजन शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमारे सूर्य का निर्माण हुआ, और इसी सूर्य का चक्कर काफी सारे धूल के कण लगाने लगे, और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये जुड़ने लगे और ग्रहों का निर्माण करते गए, और जो पत्थर बच गए वो हमारे सौरमंडल में एस्ट्रॉइड ग्रुप के रूप में बचे हुए हैं। काफी सारे एस्ट्रॉइड हमारे शनि और बृहस्पति ग्रह से टकरा रहे हैं और एस्ट्रॉइड बेल्ट में इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ इसी तरह ब्रह्मांड में हर सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। आज की इस वीडियो का टॉपिक सौरमंडल नहीं बल्कि हमारे सौरमंडल की बाउंड्री यानी कि हमारे सौरमंडल की सीमा है। क्या सच में ऐसा है कि हमारा सौरमंडल एक गुब्बारे के अंदर बंद है, जिससे निकलना हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा कठिन है? अब जान लेते हैं प्लैनेट 9 के बारे में। सौरमंडल की सीमाओं तक पहुंचने से पहले चलिए जान लेते हैं कि सौरमंडल के बाहरी छोर पर क्या क्या मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि नेपच्यून ग्रह के बाद एक और ग्रह मौजूद हो सकता है, जिसे कहा जाता है प्लैनेट 9। इसके ऊपर भी कई सारी थ्योरी वैज्ञानिकों द्वारा दी जा चुकी है। अभी हमारे पास इतने अच्छे प्रोब नहीं हैं कि हम जल्दी से इन्हें इतना दूर भेजकर डाटा कलेक्ट कर सकें। वहाँ तक हमारी यान को जाने में कई सालों का समय लग जाता है। दरअसल सिर्फ प्लैनेट 9 का ही नहीं बल्कि एक और चीज का आइडिया यहाँ पर दिया जाता है, जो कि हो सकता है एक ब्लैक होल जो कि खरबूजे के आकार का हो। दरअसल वैज्ञानिकों को सिर्फ इतना पता है कि वहाँ कुछ ऐसी चीज है जो कि लगातार कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस डाल रहा है, लेकिन अभी ये क्या चीज है इसके बारे में वैज्ञानिकों को क्लियर नहीं है। पर जब वहाँ पर भी स्पेस मिशन किए जाएंगे तो इसका राज हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कॉपियर बेल्ट की। क्या है ये कॉपियर बेल्ट और कहाँ तक फैला है ये कॉपियर बेल्ट? जिस तरह से मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक एस्ट्रॉइड बेल्ट मौजूद है, उसी तरह से नेपच्यून से करीब 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर कॉपियर बेल्ट है। अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होती है, और ये डिस्टेंस दरअसल सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं। कॉपियर बेल्ट भी बिल्कुल मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट की तरह ही है। बस अंतर ये है कि ये उससे काफी ज्यादा बड़ी है, लगभग 20 से 200 गुना ज्यादा बड़ी। इसमें ज्यादातर पत्थर के टुकड़े मौजूद हैं। इसके बाद बारी आती है ऊड क्लाउड की। हमारे सौरमंडल में एक और रहस्यमय चीज मौजूद है, जिसे कहा जाता है ऊड क्लाउड। दरअसल एक बहुत बड़ा सा बादल है जिसके अंदर ना जाने कितने लाखों करोड़ों पत्थर और बर्फ के टुकड़े मौजूद हैं। इसके बारे में वैज्ञानिक ज्यादा नहीं जानते क्योंकि आज तक यहाँ कोई भी चीज नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि ये हमारी पहुँच से बहुत ज्यादा दूर है।
उड़ क्लाउड की सूर्य से दूरी करीब 20 से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 31 मई 2021 के मुताबिक वाइजर 1 हमारी पृथ्वी से भेजा गया दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जो बृहस्पति, शनि और उनके अलग अलग चांद से गुजर चुका है और आगे बढ़ता जा रहा है। ये हमसे करीब 22.8 अरब किलोमीटर दूर है, जिसको अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में निकाला जाए तो ये होगा करीब 152.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर आज से गिनना शुरू किया जाए तो वाइजर 1 को उड क्लाउड तक पहुंचने में 300 सालों का समय लगेगा और उसे पार करने में इसे करीब 30,000 सालों का समय लगेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाइजर 1 की गति 17 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 1977 में जब वाइजर 1 कॉपियर बेल्ट से पार हुआ तो उसने कुछ अजीब तरह की फोटोज को भेजना शुरू किया, जो वैज्ञानिकों को कई सालों तक दुविधा में डाली रही। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने खोज के निकाला कि एक बबल है जिसके अंदर हमारा सौरमंडल बंद है। दरअसल ये बबल अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक रेस से हमें काफी हद तक बचाता है और इन रेस की वजह से हम इंसानों की मौत भी हो सकती है। इस बबल को वैज्ञानिकों ने हेलोस्फीयर का नाम दिया है। ये बबल सूरज से निकालने वाली सोलर हवाओं की वजह से बना है, जो कि चार्ज पार्टिकल्स की एक आंधी होती है। जब ये हमारे सूर्य की सतह को छोड़ते हैं तब तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे ये सूर्य से दूर जाने लगते हैं इनकी गति धीमी होने लगती है। करीब 5 अरब किलोमीटर दूर इनकी गति बहुत कम हो जाती है और एक बबल का शेप लेने लगते हैं और इसी हेलोस्फीयर को बना लेते हैं, जिसने सौरमंडल को कैद में रखा हुआ है। हम कह सकते हैं कि इस बबल ने हमारे सौरमंडल को एक प्रोटेक्शन में रखा हुआ है।